आज हम आपको सदियों से चली आ रही एक ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग एक देवता को अपना पति मानकर उनसे विवाह रचाते हैं। हर साल इंडिया के सभी ट्रांसजेंडर्स तमिलनाडु के एक गांव में इकट्ठा होते हैं। इस गांव का नाम कूवगम है। यहां पर म्यूजिक और डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के अलावे ये लॉर्ड आर्यवन से शादी करने के लिए कूथन दावर टेम्पल में आते हैं। और कहा जाता है कि इस प्रथा की जो कहानी है वो महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। आर्यवन अर्जुन और एक नाग राजकुमारी के बेटे थे जिन्होंने कहा था कि वो अपनी बलि देंगे ताकि पांडव महाभारत का युद्ध जीत सके। लेकिन अपनी बलि देने से पहले उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वे मरने से पहले शादी करना चाहते थे, लेकिन उनसे कोई भी महिला शादी करने को राजी नहीं होती थी क्योंकि सबको पता था कि इसे अगले दिन मर ही जाना है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लिया ताकि आर्यवन की इच्छा अधूरी ना रह जाए और आर्यवन से शादी कर ली। अगले दिन आर्यवन मारा गया और मोहिनी विधवा हो गई। हर साल हजारों ट्रांसजेंडर्स इसी कहानी को दोहराते हैं कूवगम फेस्टिवल में। कई ट्रांसजेंडर्स का कहना है कि ये फेस्टिवल उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनके लिए उम्मीद की किरण लेकर आता है, खास करके ऐसे सोसाइटी में जहां हर दिन उन्हें किसी ना किसी रूप से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें मनुष्य तक नहीं समझा जाता।